हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सबको चैनल। दोस्तों, रेडमी नोट 9 सीरीज के ऑलमोस्ट सभी फोन लॉन्च हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले रेडमी नोट 9 को लॉन्च किया गया था, जो कि हमें 10,000 से ज्यादा प्राइस में मिलता है। बट वहीं इस सीरीज में 10,000 से कम में भी रेडमी एक फोन लॉन्च करता है, जो होगा रेडमी 9। तो इस फोन की लॉन्च डेट भी बाहर आ गई है और इसमें क्या कुछ फीचर देखने को मिलेगा इंडिया में, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को प्लीज आप लाइक जरूर कर देना और देखते हैं इस वीडियो पर आप कितने लाइक करते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रियलमी का सस्ता रियलमी 6i फोन लॉन्च हो गया है इंडिया में और पोको का C3 जल्द ही इंडिया में देखने को मिलेगा। ये दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये वीडियो आप जरूर से चेक करें। अब बात कर लेते हैं रेडमी 9 की। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जिसका टीजर पेज गलती से अमेजन इंडिया की वेबसाइट पर लिस्ट हो गया था, जिससे ये पता चल जाता है कि ये फोन पहले प्राइम मेंबर्स के लिए होगा, बाकी बाद में और लोगों को मिलेगा। अमेजन पर 6 से 7 अगस्त के बीच में एक प्राइम डे सेल आने वाली है, जिसमें इस नए रेडमी 9 को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस इमेज में ये फोन का नाम वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन किया गया, बट ये कंफर्म है कि ये रेडमी 9 है। अब इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों, इसका डिजाइन हमें सेम पोको X2 या फिर आप बोल सकते हैं रेडमी नोट 8 प्रो जैसा देखने को मिलता है, जिसमें कि पीछे की ओर क्वाड कैमरा सेटअप और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। वहीं ये फोन 3 कलर वेरिएंट में आने वाला है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और इसमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, क्योंकि ये एक बजट सीरीज है, तो इसलिए इसमें हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है। अब बात करें इस फोन के डिस्प्ले और डिजाइन की, तो जो कि काफी जबरदस्त होने वाली है। इसमें हमें मिलता है 6.53 इंच का वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, जो कि एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला पैनल है। तो 10,000 से कम कीमत में अभी तक किसी और फोन में हमें फुल HD+ डिस्प्ले नहीं मिलता। वहीं Redmi में भी ये फुल HD+ डिस्प्ले पहली बार देखने को मिलेगा। अब बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों यहाँ पर भी काफी कमाल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसमें हमें मिलेगा MediaTek Helio G80 चिपसेट, जो कि 2 GHz पर क्लॉक है और 12 nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इसमें आप गेमिंग वगैरह भी इजिली कर सकते हैं, क्योंकि MediaTek की G सीरीज गेमिंग के लिए स्पेशली बनाई गई है। और ये चिपसेट हमें पहले ही Realme Narzo 10 को मिलता है, तो परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। वहीं इसमें हमें LPDDR4X RAM विद eMMC 5.1 वाले स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। और वहीं इस फोन को इंडिया से बाहर 3+32 GB और 4+64 GB स्टोरेज में लॉन्च किया गया था, बट वहीं इसको इंडिया में 4+64 GB से स्टार्ट किया जा सकता है, तो इसकी कीमत 10,000 तक होने वाली है। वहीं अगर ये फोन 3+32 GB में लॉन्च किया जाएगा तो इसकी कीमत 8,000 के आसपास होगी और इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया जाएगा। अब बात करें इसके कैमरा की, तो यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें 13 MP का प्राइमरी लेंस, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। तो इससे आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं इसके फ्रंट में 13 MP का कैमरा मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा भी इस फोन में ठीक ठाक मिल जाते हैं, बाकी आने के बाद कैमरा टेस्टिंग जरूर करके दिखाएंगे इस फोन की। अब इसके बैटरी कैपेसिटी की बात की है, तो इस फोन में 5020mAh की बिग बैटरी दी जाती है, साथ में 18W की चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें मिल जाती है, तो बैटरी भी इस फोन में काफी अच्छी मिलने वाली है। वहीं इसके बॉक्स में ही आपको 18W का चार्जर दिया जाएगा। अब इसके कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए, तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 विद MIUI 12 पर देखने को मिलेगा, साथ में ट्रिपल कार्ड स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक और सभी तरीके के छोटे मोटे सेंसर इसमें मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल पैकेज रेडमी 9 में मिलेगा हमें 6 अगस्त को इंडिया में। बाकी इसकी प्राइस क्या होने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाइना वगैरह में 8,000 के आसपास ये फोन लॉन्च किया गया है, बट वहीं इंडिया में इस फोन का 4+64 GB वेरियंट 9999 में लॉन्च किया जा सकता है। और अगर का 3+32 GB वेरिएंट आता है तो इसको 8999 में लॉन्च किया जाएगा। तो 10,000 से कम कीमत में इस फोन को काफी लोग लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें बैटरी अच्छी मिलती है, फुल HD+ स्क्रीन दी गई है, डिजाइन काफी अच्छा मिलता है और कैमरा भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे 10,000 से कम कीमत में, या फिर आप किसी और फोन का वेट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर जाना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।